वायरोलॉजी लैब में कोरोना जांच मशीन खराब होने पर कमिश्नर रीवा डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव हुए सख्त, जा पहुंचे संजय गांधी अस्पताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। एक माह में चार बार मशीन खराब, बड़ा सवाल, कोरोना की जांच कैसे होके चलते? नई मशीन लगाने का फैसला लिया रीवा कमिश्नर ने, साथ ही प्रवासियों को फल बांटे, निकल पड़े शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने। रीवा में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अब रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव के तेवर कुछ बदले से हुए हैं। हम आपको बता दें, रीवा में गुरुवार शाम तक कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 26 हो गई थी। दूसरी ओर जांच मशीन खराब, ऐसे में जहां एक ओर प्रशासनिक अमले को जिम्मेदारी से काम करने की नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क पर उतरकर प्रवासियों को कहीं पर फल वितरित कर रहे हैं तो कहीं पर खाना उपलब्ध करा रहे हैं। गुरुवार को जहां एक ओर कमिश्नर रीवा ने रीवा के संजय गांधी अस्पताल की लैब का निरीक्षण करते हुए तत्काल दूसरी मशीन लगाने की बात कही, वहीं दूसरी ओर जा पहुंचे गरीबों असहायों को फल बांटने, साथ ही निकल पड़े निरीक्षण करने उन कामों का जो उस दौरान प्रशासन ने प्रारंभ किए। रीवा में सर्वाधिक आक्रोश बायोलॉजी लैब को लेकर है। यहां पर जब से कोरोना वायरस जांच मशीन लगाई गई है तभी से वह विवादों में घिर गई। आए दिन खराब रहना उसका नसीब सा बन गया है, जिसको लेकर कलेक्टर रीवा ने अस्पताल प्रबंधन से सवाल जवाब भी किए थे। कमिश्नर रीवा डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव के निरीक्षण के बाद यह बात साफ हो गई कि पहली मशीन किसी काम की नहीं रही, अब दूसरी मशीन लगाई जाएगी। न्यूज नेटवर्क टुडे की टीम इस मुद्दे को पहले भी उठा चुकी है। बायोलॉजी लैब में संकट के समय जब पूरा देश कोरोना वायरस से परेशान था, हर आदमी चाहता था जांच रिपोर्ट ज्यादा हो, जल्दी आए, लेकिन रीवा के संजय गांधी अस्पताल प्रशासन ने कौन सी मशीन लगाई, कैसे लगाए, तीन से चार बार अब तक वो खराब हो चुकी है, जबकि महीना भर भी नहीं हुआ। यह एक बड़ा सवाल है और इसकी जांच होनी ही चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा आम जनमानस का मानना है। आइए आपको सुनाते हैं बालाजी लैब की जांच के बाद कमिश्नर रीवा ने क्या कुछ कहा। अस्पताल की जो वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब है, इसमें जो आरटीपीसीआर जो मशीन आई है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, बार बार उसमें खराबी आ जाती है। तो बायोसेफ्टी कैबिनेट उसका जो है उसमें बार बार खराबी आने से हमारे संभाग के जो कोरोना वायरस के जो टेस्ट हैं वो समय पर नहीं हो पा रहे और उनको फिर हमें जबलपुर आईसीएमआर भेजना पड़ता है। तो ये मशीन में निश्चित रूप से तीन चार बार उसको ठीक करा लिया, खराबी ऐसी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो मैंने जो टेक्नीशियन है उनको निर्देश किया है कि इस मशीन के स्थान पर दूसरी मशीन जो है लाई जाए। नई मशीन हमारे पास में आ गई है, उसको स्थापित करने के लिए हमारे अस्पताल में दूसरी यूनिट भी हम तैयार कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी और ईएनएम के जो कर्मचारी अधिकारी हैं लगे हुए काम कर रहे हैं और शीघ्र ही वो जैसे ही हमारा लेब का जो काम है सिविल वर्क पूरा हो जाता है तो दूसरी मशीन जो है हम स्थापित करेंगे ताकि जो टेस्ट की जो सैंपल जो हमारे पास में आ रहे हैं चारों जिलों के उनका तत्परता से उनका टेस्ट हो सके और वस्तुस्थिति पता चल सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, नमस्कार।